Hello students, this is our English class. Today we will learn use of in, on and under. आज मैं आपको इन तीनों words का use करना सिखाऊंगी. सबसे पहले हम इनका use करेंगे. इनका use बच्चों उसके लिए किया जाता है जब किसी भी कोई भी object है वो किसी के अंदर रखा हुआ है तो उसके लिए हम इनका use करेंगे. जैसे आपकी pencil या आपकी box में रखी हुई है तो the pencil is in the box. ये देखिए अभी एक box है, बॉक्स में कई सारे टॉयज हैं, है ना. तो अब इसके लिए कैसे इनका यूज होगा देखो. ए टॉय इज इन द बॉक्स. ए टॉय, टॉय जो है वो बॉक्स के अंदर है, डिब्बे में एक खिलौना है. अ रैट इज इन द बॉक्स. डिब्बे में एक चूहा है. अ बॉल इज इन द बॉक्स. बॉल जो है वो डिब्बे में है, डिब्बे में एक गेंद है. अ पैन इज इन द बॉक्स. डिब्बे में एक पैन है. अ कैप इज इन द बॉक्स. डिब्बे में एक टोपी है, ठीक है. अ टॉप इज इन द बॉक्स. डिब्बे में एक लट्टू है. ये रहा टॉप, ठीक है. तो मतलब जो भी चीजें बॉक्स में है तो वो बताया है यहाँ पे. तो इनका यूज किस लिए करते हैं, कोई भी चीज अगर किसी के अंदर रखी हुई है तो उसको शो करने के लिए. इन द बॉक्स, इन द गार्डन, या ठीक है. तो अ टॉय इज इन द बॉक्स, अ रैट इज इन द बॉक्स. तो इसके लिए हम इनका यूज करते हैं. अब आ गया यूज ऑफ ऑन. ऑन का यूज किस लिए करेंगे देखिए. ऑन का यूज जब किसी चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करेंगे. तो जैसे कि टेबल है, टेबल पे कई सारे आइटम्स हैं. अ कप इज ऑन द टेबल. कप जो है वो टेबल के ऊपर है. किसी चीज के ऊपर रखा होगा कोई चीज तो ऑन का यूज होगा, अंदर रखा होगा तो इन का यूज होगा. अ बुक इज ऑन द टेबल. अ बैग इज ऑन द टेबल. अ हैट इज ऑन द टेबल. अ पेंसिल इज ऑन द टेबल. अ डॉल इज ऑन द टेबल, ठीक है. और लास्ट है हमारा यूज ऑफ अंडर. अंडर का यूज कैसे करेंगे देखो. अंडर जो है वो किसी चीज के कोई नीचे है, जैसे पेड़ के नीचे ये सारी चीजें हैं तो इसलिए हम यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे. जैसे कि अ बॉय इज अंडर द ट्री. पेड़ के नीचे एक लड़का है. अ गर्ल इज अंडर द ट्री. अ बॉल इज अंडर द ट्री. अ हैन इज अंडर द ट्री. अ चेयर इज अंडर द ट्री. अ बर्ड इज अंडर द ट्री. तो जो चीज किसी के नीचे है तो उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे. इनका यूज करते हैं हम किसी चीज के अंदर, ऑन का किसी चीज के ऊपर, और अंडर यानी किसी चीज के नीचे. तो तीनों की मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी तो वो सब आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है. थैंक यू.